की शेयर्स पर जकात है या नहीं, तो शेयर्स का मसला अपनी जगह है, फिर वक्त उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा कि शेयर्स खरीदना दुरुस्त भी है या नहीं। लेकिन अगर किसी ने खरीदे हुए हो, शेयर्स लिए हुए हो, तो उस पर जकात की तफसील समझ लीजिए। शेयर्स खरीदने के बुनियादी तौर पर दो मकासद होते हैं। एक मकसद तो तिजारत होता है, यानी खरीदे जैसे ही कीमत बढ़े, कीमत में इजाफा हो, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, बेच दें। तो याद रखिएगा, अगर इस नीयत से किसी ने खरीदा है कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इसको बेच देंगे, तो ये तो माल तिजारत के हुक्म में है, पूरी इसकी मार्केट वैल्यू पर जकात लाजिम होगी। इसकी दो तरह की कीमतें होती हैं शेयर्स की, एक फेस वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। फेस वैल्यू यानी जितने का वो शेयर्स है वो फेस वैल्यू कहलाता है, और जो उसकी मार्केट रेट है ये मार्केट प्राइस कहलाती है, मार्केट रेट। तो चूंकि ये माल तिजारत है, अगर बेचने के इरादे से लिया हुआ है तो पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू पर जकात देनी पड़ेगी। अगर वो निसाब के बकदर हो, यानी 52.5 तोला चांदी के बकदर हो, या दूसरे माल के साथ मिलाकर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाता। शेयर्स खरीदने का दूसरा मकसद कंपनियों का होने वाला नफा हासिल करना होता है। बहुत से लोग इस इरादे से शेयर्स खरीदते हैं कि बेचेंगे तो नहीं बल्कि अपने पास महफूज रखेंगे, और जैसे जैसे कंपनी अपना सालाना या सहमाही बुनियादों पर नफा तकसीम करेंगी, नफे में हिस्सेदार होंगे। तो ऐसी सूरत में इस पर जकात है या नहीं है, उलमा ने इसकी तफसील की और फरमाया कि एहतियात का तकाजा तो यह है कि यहां पर भी पूरी इसकी मार्केट वैल्यू पर जकात दे। लेकिन अगर कोई आदमी पूरी मार्केट वैल्यू पर जकात नहीं देना चाहता, तो शेयर्स की वो कीमत जो कंपनी के काबिले जकात असासों के मुकाबले में हो, सिर्फ उसी पर जकात होगी। और कंपनी के नाकाबिले जकात असासे जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह या जो जायदाद है, हाँ, उस पर जकात नहीं होगी। कंपनी के जो काबिले जकात असासे हैं, यानी कंपनी के मसनूआत जो उसने बेचने के लिए रखी है, या कंपनी का रॉ मटेरियल जिसको आगे बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, बेचा जाएगा, सिर्फ उनके मुकाबले में शेयर्स की जो वैल्यू होगी उस पर जकात होगी। लेकिन इसका जानना कि भाई कितने काबिले जकात असासों, कितने शेयर्स की मालियत काबिले जकात असासों के मुकाबले में है और कितने नाकाबिले जकात असासों के मुकाबले में, इसका जानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उलेमा ने लिखा कि अगर कोई नफा हासिल करने के लिए भी शेयर्स किसी कंपनी के खरीदता है, तो उसमें भी एहतियात का तकाजा ये है कि मुकम्मल उसकी मार्केट वैल्यू पर जकात दे, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू हो, और एहतियात इसी में है, बशर्ते कि वो निसाब के बकदर हो और जो है उस पर साल मुकम्मल हो चुका हो, या दीगर माल के साथ मिलाकर निसाब मुकम्मल हो रहा हो, तो जकात लाजिम होगी।